मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश, आपका पैरामीटर ऑफ लॉ जो यूट्यूब पर उपलब्ध है, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, इस चैनल पर मैं विभिन्न कानूनी मुद्दों को प्रतिदिन वीडियोस अपलोड करके आपकी जानकारी जो कानूनी आवश्यक है बढ़ा रहा हूँ। आज का महत्वपूर्ण एक विषय है कि किसी भी कोर्ट केस को डालने के पहले या करने के पहले क्या क्या बातों की तैयारी करना आवश्यक होती है। प्रिपरेशन ऑफ द कोर्ट केस, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो इसमें कोई भी केस करने के पहले सबसे पहले आप ये मन बना लें कि यदि मामला आपसी सुलह समझौते से निपट सकता है, कोई वार्ता करके बैठ के मीडिएटर के माध्यम से यदि आपका विवाद खत्म हो सकता है, तो मेरा ऐसा सुझाव है जानबूझकर आप किसी कोर्ट केस को ना करें, क्योंकि इसमें समय, पैसा सभी आपका और मानसिक तनाव भी कई बार पार्टीज को ज्यादा हो जाता है। कोई भी केस करने के पहले सबसे पहला प्रयास यही रहे कि आपसी कोई वार्ता हो जाए, सुलह हो जाए, उससे मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाए। यदि किसी भी तरह से मामला सेटल होने की कोई उम्मीद नहीं है, चाहे वो मकान खाली कराने से लेकर किसी भी तरह का विवाद हो, आपसी विवाद हो, तो सिविल मैटर या दीवानी जो भी मैटर आपका विवाद का है, उस न्यायालय के समक्ष जाने के पहले आप अपने किसी अच्छे अधिवक्ता जिस पर आपको भरोसा हो उसको करें। वैसे तो सभी अधिवक्ता अच्छे होते हैं, लेकिन जिसको भी आप उपयुक्त समझें, सिविल मैटर को न्यायालय के समक्ष ले जाने के पहले आप मानसिक तौर पर ये तैयारी कर लें कि मुझे कोर्ट केस करना है किसी भी विपक्षी के विरुद्ध, और उसके लिए आप सारे तथ्यों को जुटाएं, प्रमाणों को जुटाएं, ओरल एविडेंस क्या उस मामले में आपके लिए अच्छी से दो सकती है, कौन कौन से दस्तावेज मामले को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक हैं, ये सारा कलेक्शन आप करें। जब भी केस के संबंध में आपको आगे बढ़ना हो, पहले वकील साहब से परामर्श करें, एडवोकेट को सारे तथ्यों को सही ढंग से समझाएं, डॉक्यूमेंट्स को दिखाएं, और उसके बाद आप वकील साहब से पूरा राय परामर्श करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके कोर्ट केस की फाउंडेशन के लिए आवश्यक हैं, मैटर से रिलेटेड हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को वकील साहब को दिखा लें। कई बार एविडेंस जैसे किसी ट्रांजैक्शन से संबंधित है, अपोजिशन पार्टी की क्या तैयारी हो सकती है, सारी बातों पर ध्यान रखकर काफी फैक्ट्स क्या क्या हैं सब वकील साहब को बताएं। गवाहों की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी ओरल एविडेंस के लिए, डॉक्यूमेंट्स को प्रमाणित करने के लिए। जिस भी मैटर या ट्रांजैक्शन के संबंध में विवाद है, वो आप कौन कौन से मटेरियल गवाह हो सकते हैं, वो कौन आपके फेवर में देगा, गवाहों से भी मिलें कि वो आपके फेवर में गवाही देंगे या नहीं, क्योंकि कई बार गवाह हाँ तो भर देते हैं, वहां जाकर आपके पक्ष का समर्थन नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। सारे तोड़ को आप लेकर सामने वाला क्या करेगा, आपको क्या तैयारी करनी है, फिर आप न्याय वकील साहब से पूछें कहाँ ज्यूरिसडिक्शन है, क्या पिक्यूनरी है, टेरिटोरियल है, कोर्ट फीस कितनी लगेगी, ये सारी बातें देखकर कहीं ऐसा ना हो कि टेक्निकल कारण से आपका जो दावा प्रस्तुत किया जा रहा है वो निरस्त ना हो जाए। तो लीगल केस आपका पूरी तरह से साउंड हो, अच्छा बने, वकील साहब से सारी परामर्श करें, समय समय पर पीसी के पूर्व उनके पास जाएं, पूरी तैयारी करें। केस में तीन कारण बनते हैं, एक तो कोई जो भी आपकी एनर्जी है, शुरू में तो लोग बड़ा अहम भरते हुए ये कहते हैं कि मैं पूरी तरह से केस लड़ूंगा, कई बार पार्टीज बाद में ठंडी हो जाती है, वकील साहब से संपर्क करना छोड़ देती है, पेशी पे नहीं जाती है। तो एक तो सबसे पहले आप एनर्जेटिक रहें, एनर्जी से भरे रहें, दूसरा समय निश्चित तौर पर काफी लगेगा, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, और समय तो लगना स्वाभाविक है, कोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी सी टिकलेश और हाइपर टेक्निकल रहती है, वो प्रक्रिया के अनुसार ही चलेगी, आपके अनुसार नहीं। तीसरा, समय तो लगेगा ही, मनी यानी पैसा भी लगेगा, समय समय पर आपको हर प्रकार दावा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग में वकील साहब का खर्चा, फीस, कुछ दस्तावेजों की फोटोकॉपी, न्यायालयीन खर्चे वर्चे, ये सब आपको वकील साहब बताएंगे। केस में आवश्यकता अनुसार कभी कभी आपको वकील साहब बुलाते हैं तो आपको उपस्थित भी होना पड़ेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी अगर किसी को दे रहे हैं तो वह आप विश्वास कर लेंगे वो ढंग से आपका कार्य करेगा। कोर्ट केस में फिजिकली और मेंटली एनर्जी की आपको जरूरत पड़ती रहेगी, समय समय पर उदास ना हो, पूरी एनर्जी के साथ अंत तक केस को लड़ें। केस करते समय काफी एनर्जी लोग रखते हैं और बाद में परेशान होना महसूस करते हैं। सारी परिस्थितियों के लिए तैयार रहें। परिणाम जब तक नहीं आता है, पूरे जोर शोर के साथ परिणाम आने के लिए
अच्छा परिणाम लाने के लिए आपके वकील साहब और आप मिलकर तैयारी करें, तभी आप मनचाहा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी प्रक्रिया अलग से मैंने कुछ वीडियो चैनल पर डाले हुए हैं, सिविल प्रक्रिया कैसे होगी, क्रिमिनल केस कैसे लड़ेंगे और कोर्ट केस करने के पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी, ये मैंने आपको मोटे तौर पर प्रिपरेशन ऑफ कोर्ट केस, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बताया। तो किसी भी केस को करने के पहले ये आप प्रण कर लें कि कोर्ट केस करने के अलावा अन्य कोई विकल्प अब नहीं बचा है। वकील साहब यदि बताते हैं कि इसमें नोटिस देना आवश्यक है, सरकार भी पक्षकार हो सकती है, पार्टीज को कितने दिन का नोटिस देना है, किसी केस में कैविएट ऊपर की कोर्ट में जाना है, कोई ऑर्डर शिक्षक दें, कैविएट आदि फाइल करने हैं, तो निश्चित तौर पर समय, पैसा, एनर्जी ये आपको लगेगा और आप कोर्ट केस करने के पहले पूरी तैयारी मन से इस बारे में प्रण करने के बाद एनर्जी, टाइम और मनी के साथ वकील साहब से मिलें। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं और समझता हूं कि आपको मनचाहा परिणाम आने के लिए भरपूर प्रयास करना होगा और ईश्वर आपको केस में सफलता भी देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं रिटायर्ड न्यायाधीश के नाते विभिन्न प्रकार के कानूनी मुद्दों को छोटे छोटे विषयों के साथ इस चैनल पर रख रहा हूं। आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आपका आभारी हूं और इस चैनल से जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और यदि मेरा ये वीडियो आपको जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर अपने मित्रों को दोस्तों को करें। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।